वाह सरस्वती बाई वाह, सुना था मगर आज देख भी लिया। गंगा नदी के इस पार तुम्हारे से खूबसूरत नाचने और गाने वाली कोई नहीं। शुक्रिया। अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ सरस्वती बाई, मैंने आपसे नहीं आपके लोगों को कहा है। हाँ तो भाई आप लोग बाहर जाकर सुर मिलाइए, हम जरा सरस्वती बाई के साथ यहां सुर मिलाते हैं। चलो चलो बाहर निकलो। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि हमने भिजवाए थे तुम्हारे लिए ये कीमती कपड़े, ये जेवरात, और इन जेवरात की कीमत है सिर्फ एक रात। छोटे सरकार, तहजीब की हद में रहकर बातें कीजिए। मेरा पेशा आवाज बेचना है, जिस्म बेचना नहीं। ओ, और हमारा पहला शौक है आवाज सुनना, फिर जिस्म को फूलों की तरह सूंघना, इनकार सुनना नहीं। दरवाजा खुलवाइए छोटे सरकार, तुम्हें गंगा मैया की कसम। ना तो हम गंगा को जानते हैं ना मैया को मानते हैं, हम तो बस तुम है जानते हैं मेरी जान। चल रे बंसी, ट्रक चला। ये ठाका बच्चा साला फिर से मस्ती कर रहा है। कौन हो तुम? गंगा। इस तरह अंदर आने का मतलब? जब भी गंगा के कान में किसी मजलूम की आवाज पहुंचती है तो गंगा की ट्रक की इंजन को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, वो तोड़ती फोड़ती सीधे मंजिल तक पहुंच जाती है, समझे? और वो लोग जो इस तरह तोड़ फोड़ करके अंदर आते हैं, उन्हें हमारे आदमी सर से पैर तक एक एक हड्डी तोड़कर मौत के मंजिल तक पहुंचा देते, समझे? भीमा शेरा चक्का एक दो से। मेरी इजाजत के बगैर तुम्हें शिकारवाड़ी से नहीं जा सकती। तब तो गंगा के होते हुए शिकारवाड़ी में इनकी इज्जत का शिकार नहीं हो सकता। गंगा तो सरस्वती को अपने बहाव में ही लेकर जाएगा। मियां बंदूक चलाने से पहले जरा उसका ताला तो खोल लीजिए। हाँ, और एक बात याद रखना, आइंदा किसी लड़की की इज्जत पर हाथ रखा तो जिस तरह इस दीवार पर जानवरों के कटे हुए सर लटक रहे हैं, उसी तरह तुम्हारा सर भी इन्हीं जानवरों के बीच लटकता हुआ नजर आएगा। संभाल। गंगा नहीं। हे दिन तर तच तच। अबे सतपाल। हाँ बोल गंगा। अरे क्या हुआ यार, ये सारा ट्रैफिक क्यों जाम हो गया? एक्सीडेंट हो गया यार। एक्सीडेंट हो गया? हाँ वो देख, कार और ट्रक दोनों पलटी हो गया है। ड्राइवर को तो मामूली सा जख्म है। हाँ। लेकिन अब जब तक पुलिस नहीं आती पंचनामा नहीं होता, हम तो फंस गए ना। हाँ हाँ फंस गए भैया फंस गए। अरे गड़बड़ यार गड़बड़, उधर साला एक्सीडेंट हो गया है, बहुत टाइम लगने वाला, रात भर इधर ही बिताना पड़ेगा, समझे? नहीं ये व्यवस्था का
साला छिलका बाहर और केला अंदर, मतलब ये। ए लड़की, एक तो बिना इजाजत के ट्रक में चढ़ती है, ऊपर से हमारे केले भी खाती जा रही। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो बाबूजी। क्या है कि वो शैतान है ना भीमा, वो जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है, उसी से बचने के लिए मैं ये ट्रक में छुप गई। अरे रानी, ये कहानी बहुत पुरानी है, जो भी मुफ्त सवारी करना चाहता है यही कहानी सुनाता है। कसम से बाबूजी, जमुना कभी झूठ नहीं बोलती। जमुना, सुना बंसी? हाँ उस्ताद। गंगा ट्रांसपोर्ट का बोर्ड देखते ही इसने अपना नाम भी जमुना रख लिया है। नहीं, मेरा नाम सोचा है, जिस तरह वहाँ गंगा जमुना बहती है साथ साथ, इसी तरह ये जमुना भी साथ साथ हमारे ट्रक में चलती रहेगी। लेकिन रानी, यहाँ ऐसा नहीं चलने वाला। चल 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 चल। यहाँ आजू बाजू कोई होटल वोटल नहीं है क्या? हाँ है ना, ऊपर एक होटल है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही कमरा मिलता है। शादीशुदा 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 अरे सुनिए, क्या है? इस बारिश में तुम्हें इस तरह थर थर कांपते हुए देखकर भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर कहीं बीमार पड़ गई, अरे भाई तो तुम्हारे माँ बाप को क्या बोलूंगा मैं? कुछ भी जवाब दे दो, बोलने की जरूरत ही नहीं, मेरा कोई है ही नहीं। अरे क्या बात कर रही, गंगा के होते हुए जमुना का कोई भी नहीं? ची। 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 लग गई ना सर्दी, इसीलिए कहता हूँ जरा ठंडे दिमाग से सोचो, इस बारिश से बचने का एक ही तरीका है। क्या? सुनो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई ऐसा ही हो सकता है, अगर हमने ये नाटक नहीं किया तो रात भर ऐसे ही भीगना पड़ेगा, सोच लो। ठीक है। आओ, सर्दी बहुत है, मैं आग जलाता हूँ, तब तक तुम आराम करो। ये तुम्हारा सॉलिड कमरा है? अरे ना आईना है, ना फर्नीचर है, ना सोफा, ये कोई कमरा है क्या? अरे तुमको सोफा सेट और आईने से क्या लेना देना है? तुमने बाहर बोर्ड नहीं देखा, हनीमून लॉज? ये खटिया है, इस पर सो जाना। अब मैं जाता हूँ, अब तुम आराम से सो जाना। ये हम दो और खटिया एक, सोएंगे कैसे? उसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम उधर खटिया पर सो जाओ, मैं ये इधर, ये मैं नीचे सो जाता हूँ। ना बाबा ना, हमारे कबीले का तो रिवाज है कि मर्द खटिया पर और औरत जमीन पर सोती है। अरे रे रे, नीचे सोएगी तो सुबह तक तेरी कुल्फी बन जाएगी। ना 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 ना, मुझे आदत है नीचे सोने की, मैं पलंग के नीचे सो जाती हूँ। पलंग के नीचे? नीचे, हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, चल सो जा सो जा। हाँ, इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलो सो जा। अरे ये क्या मुंह लगा रखा है? जी मैं अंदर नहीं जा सकती। अंदर? अंदर नहीं जा सकती? हाँ। ओह, समझ गया समझ गया, अभी ठीक करता हूँ इसको। चल गुजर अंदर। गई? हाँ। संभाल। किधर गया? बैकोन लाने किधर है? कहाँ है? इधर है। अरे पकड़ पकड़ पकड़। अरे घुस गया, घुस गया बेशरम। अरे
अरे नौजवान लड़की की छेड़छाड़ करता है? अबे तेरे घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या? इडियट कहीं का। देखो इसका इसका कोई भरोसा नहीं, रात बहुत हो चुकी है और मैं रात भर इसकी पकड़ा पकड़ी नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए तो मुझे कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। आइडिया आ गया आ गया। ये क्या? वैसे तो ये नहाने का टब है लेकिन इस समय ये चूहे से बचने का पिंजरा। अब आना बेटा, देखता हूं। ये टिकट प्लीज। जी टिकट, मेरे पास टिकट तो नहीं है लेकिन मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जाने दीजिए। अरे तो बगैर टिकट गाड़ी में सफर करेंगी आप? देखिए इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं अपने गांव पहुँचते ही आपको आके पैसे लौटा दूंगी, मुझे जाने दीजिए। देखिए ये रेलवे डिपार्टमेंट है, कोई बनिए की दुकान नहीं। आप बगैर टिकट सफर नहीं कर सकती वरना जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे ये सोने के कंगन आप रख लीजिए, पैसे तो नहीं है इसीलिए काम चला लीजिए, लेकिन मुझे जाने। ये स्वाद के कंगन नहीं उतारते बेटी, अब सुकन होता है। ले मुआ ये तेरा टिकट के पैसे, आ बेटी आ जा बेटी। शुक्रिया, आ जा। बहुत ये कनवा क्यों क्या बैठा है, जरा सुर तो लगा गाने का। हम पीपी का हमार गला बैठ गवा है, हम ना ही गा सकत, ऐसा कर तू ही गा ले। अरे चांदी साफ ऐसा कहता तो गाती और ठुमका भी लगाती। अरे माँ जी अगर कोई गाएगा नहीं तो सफर कैसे कटेगा। ठीक तो कहना माँ जी, अगर आप कहे तो मैं गा लेती हूँ। अरे बड़ी खुशी की बात है, ये बेटी तुम लोग सब इसका साथ दो। चल रूपा। नहीं सुर बहुत ऊंचा है, याद है ना? हाँ हाँ याद है। अरे बेटी क्या कर रही थी, गाड़ी के नीचे आ जाती तो। बाबूजी जिनके लिए मैं वो गीत गा रही थी ना, वो यही अगले डब्बे में है। बाजी मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनके पास जाना है। घबरा मत बेटी, अगले स्टेशन पे मिल जाएगी। अगला स्टेशन कब आएगा? बस 15-20 मिनट के बाद। 15-20 मिनट? अब तो एक पल भी नहीं रह जाता उन्हें देखे बिना। अगर इतनी ही बेताबी है तो यहाँ आकर इस जाली से देख लो ना। खूबसूरत मंगलसूत्र है बेटी, कहां से बनवाया? पता नहीं, मेरी सास ने दी है।
तेरी आंखों में आंसू? अरे मौसी इतना भी नहीं जानती, मंदिर करीब देखकर किसी की भी आंख में आंसू आ जाते हैं, है ना? नहीं, कुछ बदनसीब मुसाफिर ऐसे भी होते हैं जिनकी मंजिल तो सामने होती है लेकिन रास्ता ही खत्म हो जाता है। तुम यहीं ठहरो, मैं जरा पुजारी से पूछ के आता हूं। जी। पुजारी जी, आज यहां एक शादी होने वाली थी, दूल्हा दुल्हन नहीं आए। बच्चे, हमें भी उन्हीं का इंतजार है। ये लो चरणामत। सी बेहोशी की दवाई दी है ठाकुर। यहां के पुजारी की बलि तो हमने चढ़ा दी है, चाहते तो इसकी भी चढ़ा सकते थे लेकिन हमने भीमा से वादा किया था। भीमा, तुम्हारा शिकार। शिकार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, मुझे से अपना पुराना हिसाब चुकाना है। इसे ठीक उसी तरह मारना जैसे हमने इसके बाप को मारा था, ताकि ये बड़े आराम से अपने बाप के पास पहुंच जाए। ले जाओ इसे, ले जाओ। तेरी वजह से सांप ने मेरे बेटे को काटा और उसकी दोनों आंखें चली गईं। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। आज तू गंगा की बीवी, उसकी इज्जत सरे बाजार नाचेगी। चल। गांव वालों, ये गंगा की पत्नी आज फिर से तवायफ बनकर हम सबका दिल बहलाने के लिए गाएगी और नाचेगी, और उसके बाद इसका वस्त्र हरण होगा जैसे महाभारत में हुआ था। चल नाच। जिस तरह ठाकुर हंसराज ने तेरे बाप को इन मगरमच्छों का निवाला बनाया था, ठीक उसी तरह मैं तुझे इन मगरमच्छों का निवाला बनाऊंगा। क्या इसका मतलब मेरा शक सही था कि पिताजी को मारा गया था? बिल्कुल, यही वो जगह है जहां पर हमारे मालिक ठाकुर हंसराज ने तेरे बाप को ढकेला था, ठीक उसी तरह मैं तुझे आज तेरे बाप के पास पहुंचाऊंगा। उसका सर कुचलने के लिए कृष्ण भी पैदा होता रहा है। मुझे तुझसे कई पापों का हिसाब लेना है ठाकुर। बोल कहां से शुरू करूं? उठ गंगे, उठ गंगे, उठो बेटा, उठ बेटे, तुझे तेरी मां की दूध की सौगंध।
बेटे। उठो, उठ गंगे। गंगा, 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 गंगा। बेटा मुझे माफ कर दे। याद है एक दिन इसी जगह तूने मेरा दूध का दांत तोड़ा था ठाकुर। मैंने कसम खाई थी कि एक दिन इसी जगह तेरी बत्ती सी न तोड़ी तो मेरा नाम भी गंगा नहीं। याद है जमुना नहीं। जमुना नहीं।